महामृत्युंजय महोत्सव में बैठे हुए थे। अब मैं ग्रीन रूम में परेशान, उनके जो दामाद गोपाल मिश्रा जो बना वो कलकत्ता में रहते हैं, तो गोपाल मिश्रा जी हमारे साथ तबले पर थे, तो वो मिलाए जा रहे हैं, पता नहीं वो तबला चढ़ नहीं पा रहा है, तो उसके बाद फिर वो हथौड़ी आई और कुछ वो पेचकस आया तो उसका बद्दी चढ़ाने लग गए। तो ये सब क्रियाक्रम में हमारा तो तानपुरन पर मिल के तैयार था, वो हिल ही नहीं रहा, हमें डर लग रहा था कि अब हम डटाएंगे क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुका है, हमें पता है। तो मैं ग्रीन रूम से मैंने कहा कि भैया मैं चलो आप आइए, तो मैं वहाँ पहुँच गया मंच पे डांट खाने के डर से, क्योंकि किशन मास जी डांटने बहुत देर डांटते थे, बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ही डांटते थे, ये दोनों ही उनका बहुत ज़्यादा था। तो पहुँच गए, बैठे रहे, तो अनाउंसमेंट वगैरह फिर से हुआ, कोई आके माला भी पहना दिया हमको, हारमोनियम पे थे उनका भी माला पहन दिया। किशन मास की गंभीर आवाज आई, एक माला ले जाकर के ग्रीन रूम में ही गोपाल को पहना दो। तो इसी तरह आज के चौथे कलाकार जो गायब है, अगर वो लाइव सुन, नहीं लाइव तो नहीं हो रहा है, अगर वो उनके तक आवाज हम पहुंचाएंगे तो वो अपना उनका माला कोई ले जाके उनको घर में पहना देना। ऐसा एक और किस्सा छोटा सा सुना दे, डिस्टर्ब करते थोड़ा हमारी आदत। एक कलाकार दिल्ली से चलने आ रही थी, यहाँ पे एक संस्था में कार्यक्रम था, संस्था के जो मेन व्यक्ति है वो बड़े ही बहुत ही मतलब अचानक से नाराज हो जाने वाले और अचानक से खुश हो जाने वाले। तो ऐसे ही उनके पास फोन आया, तो बोले कि क्या मैं अपने साथ में तबले को भी दिल्ली से ला सकती हूँ। तो बोले मैं तो आपको बनारस से तबला अच्छा दे रहा हूँ। बोले नहीं, मेरे साथ रोज बजाता है, उसको मैं ले आऊँ तो कैसा रहेगा। तो बोले ठीक है लेते हैं। फिर दो तीन दिन बाद फोन, क्या मैं अपने हारमोनियम वादक को भी मतलब लेके आ सकती हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ ऐसा करते हैं, मैं आप तबला वादक और हारमोनियम वादक लेकर के दिल्ली में ही गा लीजिए, मैं यहाँ से चेक आपको भिजवा दूंगा। उसके बाद बेचारी अकेली आई। तो आज दर्शन पर क्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं? राग यमन। ठीक।